How to fix Samsung Galaxy Star Pro auto restart after update problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, अगर आपके जो डिवाइस है उसमें आफ्टर अपडेट के बाद ऑटो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ. ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों. जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके का भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, आपको वही फॉलो करना है. क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिस्टार्ट होने का जो है कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें कभी कभार लगता है कि अपडेट के बाद ही ये प्रॉब्लम आया हुआ है. तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता है कि अपडेट के बाद प्रॉब्लम आते हैं. ठीक है, डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज रहते हैं, तो उसके वजह से भी क्लियर होते हैं, और कभी कभार अपडेट के वजह से भी डेफिनेटली होते हैं. तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो के अंदर पे मिल जाएगा. उसके लिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखना होगा. सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा. किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं. तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो करना क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ऑटो रिस्टार्ट का, ठीक है, अपडेट के बाद, तो आप यहाँ पे सबसे पहले रिसेंट बटन पे क्लिक करें. सारे ऐप को एक बार सबसे पहले क्लोज कर दीजिए. क्लोज करने के बाद अपने सिम ट्रे को, ठीक है, बाहर पे निकाल के आप अच्छे से अपना सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड जो भी आपने ऐड किया हुआ है उनको अच्छे से आप रिप्लेस कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए. रिस्टार्ट करने के बाद चेक करके देखिए, थोड़ी देर मोबाइल को यूज़ भी कीजिए. ठीक है, हैवी यूज़ नहीं करने, बस ऐसे यूज़ करिए. देखिए कि अगर आपको प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट होते या नहीं होते. अगर प्रॉब्लम दोबारा से आ रहा है तो आपको सॉल्यूशन करना है, अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट के बाद यहाँ पे ऑटो रिस्टार्ट का इशू हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं. आप अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाके अपनी स्टोरेज को चेक कीजिए. अगर आपका स्टोरेज ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुका है तब भी दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है. अगर आप मोबाइल को ओवर यूज़ कर रहे हैं तब भी दोस्तों आपको इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप हाई गेमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली दोस्तों आप बहुत देर के लिए लॉन्ग हाई गेमिंग करते हैं, तब भी दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ओवर यूज़ का भी ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है हमारे डिवाइस में. ठीक है, और दोस्तों आपने मोबाइल पे बैड एप्लीकेशंस वगैरह है उनको डिलीट कीजिए. ठीक है, क्योंकि दोस्तों बैड एप्लीकेशंस पे प्रॉब्लम्स कई सारे आते हैं. सारे साथ अगर आपके मोबाइल पे अनयूज एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं उनको भी आप डिलीट कर दीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा करके एप्लीकेशंस को भी रिमूव करना है अपने मोबाइल से, स्पेस को भी क्लीन अप करना है, एंड देन दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक कीजिए. अगर दोस्तों आपके मोबाइल स्पेस ऑलरेडी फुल है तो आप उसको कम से कम 40% स्पेस यहाँ पे दीजिए. ठीक है, उसके बाद चेक करके देखिए आपका जो इशू है यहाँ पे सॉल्व हो जाना चाहिए. अगर सॉल्व होता है ठीक है, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोस्तों अपने मोबाइल के जनरल मैनेजमेंट पर जाए, रिसेट के ऑप्शन पर क्लिक करें. रीसेट ऑल सेटिंग पर जाके रीसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए और अपना मोबाइल पैटर्न या फिर पासवर्ड पिन भर दीजिए. ठीक है, उसके बाद आपके सारे सेटिंग रीसेट हो जाएगा. एंड देन रीचेक करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर उसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके पास दोस्तों लास्ट सॉल्यूशन बच जाते हैं, और वो है दोस्तों फैक्ट्री डेटा रीसेट. ठीक है, यहाँ पे है तो सेम सेटिंग आपको फॉलो करना है, जैसे कि यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट रीसेट एंड देन फैक्ट्री रीसेट. ठीक है, तो फैक्ट्री रीसेट में जाके दोस्तों आपको सारे के सारे फ़ोन जो है उसको ही फॉर्मेट कर देना है. उसके बाद दोस्तों देखिएगा आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कैसे सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो इतना सॉल्यूशन अगर आप कर लोगे तो दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा. और दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपको हाई गेमिंग नहीं करना है, अगर आप करते हैं तो वो आपको छोड़ना होगा. ठीक है, कुछ दिन के लिए. सारे साथ मोबाइल को दोस्तों आप यहाँ पे यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा ओवर यूज़ आपको नहीं करना है. ठीक है, तो ऐसा करके दोस्तों धीरे धीरे जो है आपका प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा. उसके बाद अगर आपको गेमिंग वगैरह भी करना है तो अभी आप कर सकते हैं. तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.